दर्शकों, हमारे साथ एनटीसीसी हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस गीता मैडम है। एनटीसीसी स्कूल मालवनी क्षेत्र की बहुत ही पुरानी स्कूल है, सबसे पहली इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल है। यहाँ के जितने बच्चे पढ़ के यहाँ से जो निकले वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, कोई प्रिंसिपल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो आइए आज हम गीता मैडम से एजुकेशन और एसएससी के विषय पर बात करते हैं। आपके एसएससी बैच में कितने स्टूडेंट थे और क्या डिस्टिंक्शन आया, क्या कैसा रिजल्ट हुआ? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिशान को भी और जिशान की टीम को भी हम वेलकम करते हैं। एक्चुअली एसएससी का रिजल्ट, स्कूल रिजल्ट 100% है और हाईएस्ट जो है वो आयशा नाम की एक स्टूडेंट को आया है जिसका 91.40 है। सेकंड हाईएस्ट जो स्टूडेंट है अरसलान, वो सिर्फ पॉइंट से पीछे रह गया है, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग 91.20। ओके, तो आई मीन ऑल टुगेदर डिस्टिंक्शन में 13 स्टूडेंट्स हैं और फिर 89 स्टूडेंट्स कुछ है जो फर्स्ट क्लास में है और फिर सेकंड क्लास में है और पास क्लास में भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं। जो भी रिजल्ट है सिंसियरली मैं बताऊंगी आपको, अराउंड 9 स्टूडेंट्स हैं जो पास क्लास में आए हैं क्योंकि उनका कंडीशन ऐसे था कि वो नहीं क्लियर कर पाते 10th स्टैंडर्ड, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर जो एसएससी बोर्ड ने बताया है वो प्रोसीजर से उनके असाइनमेंट वगैरह लेके वो भी पास हो गए। सो वी आर हैप्पी दैट पैंडमिक के टाइम में भी लाइक बच्चों का रिजल्ट 100% आया है एंड उनके आगे के फ्यूचर के लिए, आगे के सक्सेस के लिए वो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। अच्छा मैडम, फीस को लेकर बहुत से पेरेंट परेशान है, तो आप उनकी किस तरह से सहायता कर रही है? कोई स्कूल मतलब 2 महीने की फीस माफ़ करी, 6 महीने की करी, पूरे साल की करी, तो आपके यहाँ कैसी सुविधा मिल रही है? देखो ऐसा है ना कि मैं ये बहुत प्राउडली बताऊंगी सबको कि एनटीसीसी प्रीमाइसेस में, एनटीसीसी स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी ऑफिस में हमारे पास कंसेशन के लिए आए हैं या डिजर्विंग है, उनको हमने उनके हिसाब से कंसेशन दिया है। हमने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि हम 1000 रुपीज़ वेव आउट करेंगे या हम 6 मंथ्स की फीस वेव आउट करेंगे, लेकिन एवरी पेरेंट इज़ बिन कंसिडर्ड एंड एवरी पेरेंट को हमने हमारे तरफ से मैक्सिमम जितना होता है उतना कंसेशन करके उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश की है। तो मैडम, जो बच्चे एसएससी पास होते हैं तो जो एफआईजेसी में प्रवेश करने के लिए आपकी तरफ से क्या उनको सहायता, क्या उसका प्रक्रिया? सी एक्चुअली अभी एफआईजेसी का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अभी इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले सीईटी का जो मैटर है वो बहुत क्लियरली मैं नहीं आपको बता पाऊंगी बिकॉज मेरे पास अभी तक सर्कुलर्स नहीं है, लेकिन ऐसे न्यूज़ में मैंने भी देखा है कि आज से वो सीईटी का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जैसे सीईटी वगैरह कम्प्लीट होता है, एफआईजेसी के ऑनलाइन के लिए हमारी एक स्टाफ है जमीला टीचर, वो खुद कोऑर्डिनेटर है फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट और वो एनटीसीसी के स्टूडेंट्स को ही नहीं बाकी के स्टूडेंट्स को भी एफआईजीसी के एडमिशन के लिए बहुत अच्छे से हेल्प आउट करते हैं। ये सीईटी जो है बच्चे को कंपलसरी है? 99% इट इज कंपलसरी। ओके, बट देन 1% नहीं बोलूंगी क्योंकि वही है कि मेरे पास में अभी तक बोर्ड के सर्कुलर्स नहीं है। इससे कुछ बच्चों के जो मार्क्स है परसेंटेज उस पे कुछ असर आएगा? ये कैसा है ना, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कॉलेज में अगर हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए और वो कॉलेज का अगर ऐसा सोच है कि नहीं सीईटी में इसका कितना परसेंटेज है वो देख के ही हम एडमिशन देंगे, तो रिजल्ट बोर्ड का जो रिजल्ट है उस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने जो डिक्लेयर कर दिया वो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उनकी सीईटी के मार्क्स के ऊपर उनको वैल्यूएट किया जाएगा और फिर वो हिसाब से उनका एडमिशन का आगे का प्रोसीजर वो लोग देंगे। पैंडेमिक के चलते हुए काफी स्कूलों के बच्चे लापता हैं, कुछ गायब हो गए, कुछ अपने गांव चले गए हैं, कुछ यहाँ रहने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या, आपके स्कूल का भी यही हाल है क्या? हमारे स्कूल का भी ऐसा ही कंडीशन है। जैसे एक एक क्लास में हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, जैसे हम 5th स्टैंडर्ड की बात करें तो एक स्टैंडर्ड में 3 डिवीजन है ए बी सी, और पैंडेमिक के पहले एक एक डिवीजन में अराउंड 70, 72, 75 स्टूडेंट्स होते थे। आज का कंडीशन ऐसा है कि वो तीनों डिवीजन वैसे ही है और लगभग 38, 39 ऐसे स्टूडेंट्स है। अभी जो बाकी के
स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। पर्सनली हम कॉल करके, ऐसा भी है कि 2 साल से पेरेंट्स ने बिल्कुल भी स्कूल को अप्रोच नहीं किया है, लेकिन हमने एक लिस्ट बनाई है, हमने हमारे 4 स्टाफ को तैयार किया है उनके घर जाके फाइंड आउट करने की क्या प्रॉब्लम है, वो किस प्रॉब्लम की वजह से स्कूल नहीं आ रहे। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हम उनसे मिलेंगे पर्सनली, और जो भी है वो और हम डिसाइड करेंगे, और जितना भी कंसेशन होगा हम करेंगे, और फिर आगे उनकी पढ़ाई के ऊपर असर नहीं हो ये पूरा ये पूरी जानकारी वो पेरेंट्स को देंगे। और फिर इट डिपेंड्स, उसके आगे फिर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे अपने बच्चों के बारे में क्या सोचे। स्कूल की तरफ से तो उनको हम पूरा हेल्प करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर। तो मैडम, रिसेंटली NCERT ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने सबका ओपिनियन दिया था, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि फिजिकली जो स्कूल है उसको विद गाइडलाइंस प्रॉपर SOP के तहत मतलब शुरू करना चाहिए, तो इस पर आपका क्या विचार है? सी, मुझे भी ऐसे लगता है कि फिजिकली स्कूल्स रीओपन होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो लगभग खुल ही गया है। एक स्कूल्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे जहाँ जिस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है, और ऐसा है पढ़ाई की बात मैं कहूँ तो 50-60% ही नॉलेज हम ऑनलाइन के ज़रिए बच्चों को दे पा रहे हैं। क्योंकि कैसा होता है कि घर पे बैठ के जब बच्चा अपने कंफर्ट जोन से पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पे ऐसा है हाल, अभी ये स्लम में ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स हैं, उनको पढ़ाई के लिए ऐसा आइसोलेट कर बैठ के पढ़ना और आइसोलेशन में बैठ के पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना वो शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इससे बच्चे पढ़ाई से एक्चुअली रिलेटेड रिलेशन में जो रहना चाहिए वो रिलेशन में वो है नहीं, और माँ बाप का भी ऐसा है कि हम लोग बोल बोल के भी बहुत जोर नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो स्कूल में जब आते हैं तो वो एक डिसिप्लिन, स्कूल का जो एक एटमोसफियर है वो कम्प्लीटली अलग होता है। उसमें बच्चों को ऐसा कंसिडरेशन होता है कि हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, लेकिन वो माहौल घर पर पैदा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं भी यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द स्कूल्स रीओपन हो फिजिकली। विदाउट एग्जाम्स महाराष्ट्र में फिर भी 0.05 बच्चे, लगभग 9000 के ऊपर बच्चे फेल हो गए। एजुकेशन का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है महाराष्ट्र में और भी हिंदुस्तान में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सी, जो बच्चे फेल हुए हैं मुझे ऐसे लगता है कि उनके अटेंडेंस वगैरह को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे स्कूल से भी 131 स्टूडेंट्स थे। उसके पहले 9th स्टैंडर्ड को अगर हम देखेंगे तो मेरे भी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड को 10th स्टैंडर्ड में वो आए नहीं। उनका उनके पेरेंट्स से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि नहीं, हम गाँव शिफ्ट हो गए और हम बॉम्बे अभी आएंगे ही नहीं क्योंकि हमारा वहाँ पर कुछ चलने ही वाला नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है तो मैं आपको ये कहूँगी कि बच्चों ने वो सीरियसनेस लिया नहीं, जैसे सब पास हो जाएंगे ऐसा उनके दिमाग में ऐसे लोगों ने मतलब बैठ गया उनको, तो उन्होंने वो सीरियसनेस से पढ़ाई को ली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने अच्छे परसेंटेज लिए हैं वो बच्चों ने, उनके लिए भी ये कहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडीज़ को बहुत ही सीरियसली लेकर चल रहे थे। अच्छा मैडम, हम लोग आपके स्कूल की तरफ आ रहे थे तो बहुत ही आपके जो एरिया है, रोड वगैरह सब बहुत ही खस्ता हाल में, बहुत ही मतलब डिफिकल्टी से हम लोग आना पड़ा, तो आपके बच्चे यहाँ पर कैसे आते हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? रोड का कंडीशन इतना ड्रास्टिक है और दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। हम लोगों ने BMC के पास से बहुत सारा करस्पॉन्डेंस किया है, लेकिन हमेशा से हमें यही कहा जाता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। रोड से ज़्यादा एनक्रोचमेंट्स जो हैं ये जो ठेले वाले अपना अपना बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं ये सबको लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं, और BMC से लगातार हमारा करस्पॉन्डेंस चल ही रहा है। आपके पास कुछ पेपर वगैरह है? ऑफकोर्स है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो मैं दे भी सकती हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी एरिया वाइज कॉर्पोरेटर वगैरह से भी पर्सनली बात हुई है,
तो बस यही आश्वासन दिया गया है कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि हमने नगर संघ से बात किया था, उन्होंने कहा था नवंबर तक बन जाएगा। यस यस, मुझे भी ऐसे न्यूज मिला है और नवंबर तक का उनका कहना है कि रोड्स बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन वगैरह तो डाला है और वो जो साइड के जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके साइड का जो गटर का काम है वो भी कंप्लीट हुआ है, अब सिर्फ रोड की बात रह गई है। तो मिस्टर वीरेंद्र चौधरी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि नवंबर दिसंबर तक वो लगभग पूरा काम करने वाले हैं। अभी स्कूल्स नहीं है, जैसे बच्चे नहीं आ रहे, बस स्कूल का नहीं जा रहा है तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्टाफ को आना, और जैसे भी आपने कहा कि आप भी बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो दिक्कत तो 100% है रोड को लेकर। अच्छा मैडम, आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से जितने स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी एक्चुअली जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे सबसे पहली बात उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, उनके पेरेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि ये उनका एक साल का रिजल्ट नहीं है। मैं हर साल मेरे बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेक्चर जाके मैं उनका एक काउंसलिंग लेक्चर काइंड ऑफ मैं लेती थी स्कूल में, जब फिजिकली स्कूल्स थे, तो वहाँ पे 12 साल की मेहनत उनकी होती है 10th स्टैंडर्ड में। तो जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी 12 साल की मेहनत यहाँ पे हम देख रहे हैं। और इसके बाद में उन पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि पैंडमिक है, इसके लिए आप थिंग्स को, मतलब चीज़ों को ग्रांटेड मत लीजिए, बच्चों को मैक्सिमम पढ़ने का, क्योंकि वो जो क्लास के हैं वो क्लास की पढ़ाई, उनको वो क्लास की पढ़ाई का नॉलेज उनको होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, भले वो 10th में है या 11th स्टैंडर्ड ऑनलाइन आगे की उनकी पढ़ाई होगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए घर में कम से कम सेल्फ स्टडी करने के लिए उनको एक 1.5-2 घंटे का टाइम पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको देना चाहिए, क्योंकि इफ़ नॉलेज इज़ नॉट देयर, लाइक नो, देर इज़ नो मीनिंग ऑफ ओनली द सर्टिफिकेट्स इन योर हैंड। जो क्लास में आप है वो क्लास का नॉलेज आपको होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैडम, चैनल की ओर से आपके स्कूल को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो, प्रे फॉर योर प्रॉस्पेरिटी एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर आल्सो वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट ऑफ NTCC स्कूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।